मुंबई 1980 सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा। गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से दहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sonylist.com। भाई अपन को आपके गैंग में आने का भाई इसके लिए जो भी बोलोगे भाई करूंगा भाई। मंगया भाई जोशी दीवान और काले से डॉन को आपने मक्खन की तरह फिटूस कर दिया भाई। दुलूट है मंगया भाई आपको। आपका टाइम अभी शुरू हो गया भाई, राज करोगे आप राज। मंगया भाई मंगया भाई मंगया भाई मंगया भाई मंगया भाई याद रहे हमारी बिरादरी में लोग मजबूरी में खून बहाते हैं और हमारे खून का असली दुश्मन ये अंधा कानून है और ये दो टके के रखवाले। याद रहे आज के बाद कोई इनके सामने घुटने नहीं टेकेगा, समझ गए? ये जो लोग तेरे नाम की माला जप रहे हैं वो ये नहीं जानते कि तू एक कटक का कीड़ा है। क्या साहब आप मुझे कीड़ा बुलाते मगर पीछे पड़ते हो जैसे कि मैं हाथी हूं। आप मेरे खिलाफ मिला क्या है? हाथी का अंडा। जब कानून का डंडा इस अंडे पर पड़ेगा तब तेरी असलियत सामने आएगी मंगेश। इस वक्त आप मेरे सामने खड़े हो मगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, डंडा भी नहीं। बहुत जल्दी मैं ये साबित कर दूंगा कि जोशी कालिया और दीवान के मर्डर तूने जेल में बैठे हुए प्लान किए थे और तेरे ही आदमियों ने उसे अंजाम दिया था। क्या बात कर रहे हो साहब, अपन दारू पीकर एक्सीडेंट किया, जेल में था साहब। आगे की कहानी आप बना रहे हो? असली कहानी मैं साबित कर दूंगा मंगया, सब साबित कर दूंगा सब। कब? कब साबित करेंगे रिजवी साहब? एक बात याद रख मंगया, चील जितना भी आसमान में उड़ती है ना शिकार के लिए उसे जमीन को चूमना ही पड़ता है। कब तक इंतजार करेंगे साहब आप? मेरी मानिए अपनी तकदीर पर इतना भरोसा मत कीजिए, अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखी, क्या पता जिंदगी बहुत छोटी है साहब, बहुत छोटी। समझ में नहीं आता कि सरकार आपको तनख्वाह की देती है, मेरा साया बनकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितना गुरूर इतनी बड़ी गलतफहमी। तुझे साय की बात कर रहा है ना, वो असल में तेरी मौत का साया है और तेरा कातिल होगा तेरी गद्दार। डोंगरी के पाशा के तलवे चाटना शुरू कर दिए ना तू, अब बहुत जल्दी तू उसी पाशा को काटेगा अपने पुराने मालिक जोशी की तरह। पर याद रख जो काटता है वही कटता है। अब भाग कुत्ते भाग। इधर जेल से छूटने के बाद मंगया वाघमरे ने पाशा कंपनी को साबित कर दिया था कि वो अब जुर्म की सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन ये सीढ़ियां उसे मुंबई की उस हाउसिंग सोसाइटी की तरफ लेके जा रही थी जहां होने वाला था उसका एनकाउंटर।
भैया अपनी तो लॉटरी लग गई रे, अपन लोग पाशा भाई की गैंग में एग्जाम देने जा रहे ले। जोशी भाई की गैंग का खात्मा बोले तो अपना ग्रेजुएशन हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। भैया पाशा भाई खुश है? बोलते ये पाशा का एरिया है, पूरा मुंबई में ऐसा कोई इलाका नहीं है जो पाशा भाई का ना हो। मंगया मंगया देखो क्या करना है, देखो सिर्फ लाला भाई को इंटरव्यू देने का, लाला तय करेगा कि अपन लोग पाशा भाई के लायक है या नहीं। एक से एक बार पाशा भाई ने अपन को हरी झंडी दी ना तो लाला के डाला। तूने जोशी दीवान और कालिया का गेम बजाकर अब पाशा भाई के नजर में आए हो मंगया, लेकिन अब आने वाले 30 सेकंड में ये फोन बजेगा और पाशा भाई बोलेंगे, उसके बाद तुम जिंदगी भर के लिए हमारे कंपनी में बन जाओगे। अगर लौटना है तो जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। हाँ समझ गया। तो फोन उठाओगे या फिर से अपने उस पहले वाले गटर में चले जाओगे? ना ना, क्यों नहीं? उठाओ फोन। हेलो पाशा। सलाम है। अच्छा काम किया, अब धंधे पर लग जाओ, लाला समझा देगा। रोहित खेतान, सुना है अभी अभी इसके ससुर को हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बस अभी गया रवि आए। मंगया नाम क्या बोला रे? आइजान फरामोश। खेतान फरामोश। पाशा की माफिया कंपनी का पता अब 7 समंदर पार था। मॉरिश मुंबई में चर्चा थी कि शायद इतनी दूर से गैंग चलाना आसान नहीं होगा, लेकिन उल्टा वहां बैठकर पाशा के लिए और आसान हो गया। एक्सटॉर्शंस और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से कमाया हुआ पैसा हवाला के जरिए भेजा जाने लगा। कंस्ट्रक्शंस, ट्रैवल्स, बॉलीवुड में इन्वेस्टमेंट्स होने लगे, लेकिन पाशा के इस नए हेडक्वार्टर ने उसके और मुंबई में छूट गए गैंगस्टर के बीच एक बड़ा फासला पैदा कर दिया। आपसे एक बात कहनी थी। कहो। आप ट्रांसफर ले लीजिए। क्या ट्रांसफर? कोई भी ऐसी जगह या किसी भी डिपार्टमेंट में जहां आपकी बीवी और बच्चों को कोई खतरा ना हो। रजिया मेरे होते हुए आप होते कहां हैं? आपकी गैर हाजिरी में जब हम घर में अकेले होते हैं तो। रजिया क्या कह रही हो? सॉरी, आजकल दिमाग थोड़ा गर्म रहता है। राधा आई एम सॉरी, शायद मैं अपनी बात ठीक से नहीं रख पाई। कोई बात नहीं, कोला शरबत खाकर दिमाग ठंडा करें। एक ही शेयर करें? हाँ। भैया काला खट्टा। शुक्रिया। वैसे आपसे एक और बात कहनी थी मुझे। शाजिया की टीचर कह रही थी कि मैथ्स में ना उसे स्पेशल ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बात।
बाजपाई थैंक बैड घुटनों पर आ जा साले खेतान के बच्चे तेरे को बोला था ना मैंने पुलिस नहीं मांगता पुलिस मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ मैंने पुलिस नहीं बुलाई अरे सुनिए सुनिए प्लीज आप जरा बताइए इनको मैंने पुलिस नहीं बुलाई ना नहीं बुलाया ना आपको मैंने ए, तुम लोग दोनों मंग्या के लड़के हो ना अपने हथियार फेंक दे ना वो बचेगा ना तुम लोग दोनों बचोगे क्या साहब अब मंग्या भाई को कम समझते हो वो पागल नहीं है जो ये बच्चों के खेलने की जगह में मीटिंग रखेगा मुझे मालूम था कि तुम पुलिस वाले उंगली जरूर करोगे अब देखना मंग्या भाई के प्लान का पूरा मजा शाहजान आदम इंस्पेक्टर ये मेरे बिजनेस का मामला था आपने दखल क्यों दी अब इन गैंगस्टर से कौन बचाएगा मुझे आप लोग जिनके राज में ये लोग मर्जी में आया करते हैं मैं फैमिली वाला आदमी हूं अगर मुझे कुछ हो गया फैमिली क्या होती है मुझे मत समझा तुझ पर एहसान किया है भाषण मत दे कंट्रोल रूम कमिंग कंट्रोल रूम हाँ रिज़वी यार सुनो एक बाइक है उस पर दो बंदे हैं बाइक का नंबर है EP1SC16 मंग्या के दो लड़के हैं एसपी रोड से गोरेगांव की तरफ बढ़ रहे हैं किसी भी हाल में निकलना नहीं चाहिए मंग्या भाई खुदा कसम पैसे हाथ में थे अगर रिजी नहीं पहुंचता तो पैसे आपके सामने होते भाई पैसे मेरे सामने नहीं है क्या है मेरे सामने क्या है मेरे सामने मेरे सामने मेरा काम मेरा नाम मेरी टैलेंट सबको मिट्टी में मिला दिया तुम लोगों ने क्या कर रहा मंग्या अरे पाशा भाई का आदमी है मतलब अपना आदमी और अपनों से 19 होता है 20 सिर्फ 20 19 है तो अपना आदमी नहीं है पाशा भाई का पहला काम था आज तक अपना कोई बार खाली नहीं गया आज इनकी वजह से ये मंग्या
जाएगा ये। इंस्पेक्टर रिजवी, साले को नहीं छोड़ूंगा मैं, साले के बच्चों को उठा दूंगा, गाड़ी में बम लगा दूंगा साले के। अरे मंगिया मंगिया क्या बोल रहा है तू, बता तेरे को कुछ? पुलिस वालों को हाथ लगा टच भी किया ना तो तू मैं क्या पूरा खानदान खराब कर देंगे वो लोग। और मत भूल कि अपन लोग ना अब जोगेश्वरी के गुंडे नहीं है, मबारक टपोरी नहीं है, पाशा भाई कंपनी के ऑफिसर है अपन लोग। पाशा भाई को नारे नहीं कर सकते। पाशा भाई और उसकी गैंग और वो साला खड़ूस लाला, वो लोग करता क्या है वो? हाँ फोन पे जोब जमाते हैं, अस्सी भाई तो मेरे भाई साला पूरा काम संभालता हो। मानता है मैं, मानता है मंगिया, लेकिन अपन लोग जो भी करते हैं उसको हुकुम पे करते हैं। नहीं जमता मेरे को ये हुकुम वकुम, मैं खुद का मालिक हूं, पाशा हो या उसका बाप हो या मेरा सरियल बाप, मेरे को ये हुकुम वकुम नहीं जमता। जिस दिन मेरे को मौका मिला ना टोक दूंगा सर। क्या क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है मंगिया। अरे कुछ सोच समझ के बोला कर, पाशा भाई को ठोकेगा। अरे पाशा भाई को टच भी किया ना तू मैं क्या खानदान को काट के फेंक देगा वो। और मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता है मैं, अपना ये गुस्सा है ना, वन वे टिकट कटा के हिमालय को बेच इसको, तेरे को पता नहीं तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा ये गुस्सा है। नहीं, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो इंस्पेक्टर रिजी है। सर आपको पूरा यकीन है सर, जिस बाइक पर वो दोनों शूटर फरार हुए हैं आपने उसे बाइक पर मंगिया को देखा था गोडाउन के बाद? तुम्हें मेरी बातों पर शक हो रहा है गुप्ता? बात वो नहीं है सर, लेकिन वो बाइक हमें लावारिस मिली है जोगेश्वरी में। वो बाइक लावारिस नहीं है, उसका बाप है मंगिया, जिसका बाप है पाशा। मंगिया पाशा के लिए काम करता है, इसका मतलब ये है वो दोनों शूटर भी पाशा के ही आदमी हैं। पाशा कंपनी के फाइल निकाल कर क्या? यस सर। वैसे आपकी बात सही है सर, ये मंगिया को बच्चे के पार्क में फायरिंग नहीं करानी चाहिए थी सर। इत्तेफाक की बात देखो गुप्ता, उस वक्त मेरी बीवी बच्चे भी वहीं थे, बहुत परेशान है वो मेरे काम को लेकर। हमारा काम ही कुछ ऐसा है सर। अपने बीवी को समझा कर थक गया, उन्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है, तो मुंबई की सड़कों को सेफ रखना मेरा फर्ज। ये रोहित खैतान को देख लो, मुझे कहता है कि उसके मामले में मैंने दखल क्यों। बेवकूफ इतना नहीं जानता, ये एक्सटॉर्शन का सिलसिला एक बार शुरू हो गया तो कभी खत्म नहीं, हमेशा उसे पैसे अटते रहेंगे। ये याद मोइज मकाना सर, पाशा कंपनी का शूटर है सर। तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला, पाशा ने मंगिया को वो आदमी दिया होंगे, पर मंगिया ने इस ऑपरेशन के लिए उन्हें वो मोटरसाइकिल दी। सर एक बार ये हमारे हाथ लग जाए ना सर तो मंगिया तक पहुंच सकते हैं सर। हेलो अब्बू। आदिल बेटा। अब्बू आदिल, शाजी और आदिल के अबू हम जा रहे हैं, मैं बच्चों के साथ मेरे अबू अम्मी के पास चली आई हूँ, अब हम यहीं रहेंगे और मैं यहाँ एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करूँगी। ये कदम मुझे मजबूरन उठाना पड़ा क्योंकि
आपके साथ रहने में मेरे बच्चों को खतरा है, जो पाक वाले हाथ से मैं काफी साफ हो चुका है। मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि आप अपने खुद के बच्चों की जान जोखिम में डालकर अपना फर्ज अदा करने की सोच भी सकते हैं। आप अपना काम करते रहें, हम आपके और पुलिस ड्यूटी के बीच नहीं आएंगे। शाजी और मैं तो आपकी गैर मौजूदगी की आदी हो गई हैं। आदिल को कुछ दिन तकलीफ जरूर होगी, पर वक्त हर घाव को भर देता है। खुदा हाफिज। सलाम। कितने दिन से गर्द नहीं लिया? एक महीना हो गया सर। कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ है ना? बिल्कुल साफ मालिक, गर्द नहीं, अफीम नहीं, दारू नहीं, और सब यहाँ तक कि सिगरेट तक नहीं। सब अपन अब फैसला किया है कि अपन साफ रहेगा आपसे। बिल्कुल दुरुस्त फैसला लिया है खालिद। अगर तू साफ रहेगा तो तेरे माँ को दूसरों के बर्तन साफ नहीं करने पड़ेंगे। जी सर। क्या खबर लाए? साहब एक आदमी है सुंदर नाम का, वो जोशी कार मर्डर हुआ था ना, उसमें वो जोशी का ड्राइवर था। कहाँ मिले? ये आकून का एरिया ना, उसमें एक पीसीओ है, उधर से आता जाता है। तेरे को कैसे मालूम जोशी का आदमी है? सब मैंने उसकी बातें फ़ोन पे सुन ली थी। वो बहुत टेंशन में था साहब, किसी से कुछ पैसा मांग रहा था साहब। किससे? वो पता नहीं साहब, लेकिन हाँ साहब, वो मंगे का खास आदमी भट्ट है ना, वो उससे मिलने आया था रात को। खालिद अगर तेरी खबर सही निकली ना तो डिपार्टमेंट से बात करके तेरा कोई परमानेंट बंदोबस्त कर दूंगा। रख सब, जैसे आप दिनों के लिए वो चाय का टपरी लगाए थे सब, वैसे आप उनके वास्ते भी कुछ करो ना सब। सब अपन ईमानदारी से काम करेगा सब, हमें को भी बहुत सुकून मिलेगा सब। हमें जा। सुंदर, क्या लगता है सर ये सुंदर बोलेगा? बोलेगा नहीं तो बुलवाएंगे गुप्ता, उगलवाएंगे उससे। एक बार ये हाथ आ गया ना, भला मंगिया बच नहीं पाएगा। सर ये वाला घर है। चल। सर ये मंगिया तो बहुत टेढ़ा निकला सर, जरा सा खतरा लगा और मार दिया इसको। दिन पतन ठीक होता जा रहा है। और हम लोग सर नपुंसक। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है सर, लेकिन मेरा कहने का यही मतलब है गुप्ता। साला जानता है हम उसके पीछे हैं और वो हमसे हमेशा एक कदम आगे है, पर ये हमेशा आगे नहीं होगा गुप्ता, हमेशा नहीं होगा आगे। खबरी है हे मंगिया, मैं क्या बोलता है यार, ऐसा ही ना एक झक्कास ऑफिस बनाएंगे अपन, एकदम सेम टू सेम। साले पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा, नाक कटवाएगा अपनी। तो क्या हुआ यार? देख मंगिया, ये खादी ना हमेशा खाके पे हावी होती है। ये पुलिस बोले तो पावर, पावर बोले तो ताकत, ताकत बोले तो इज्जत। मैं ना ये रजू जैसा इंस्पेक्टर लेके हाथ ना उधर,
इंस्पेक्टर है ना रिजवी, इसके जैसा छह छह इंस्पेक्टर अपनी जेल में रखेगा मैं। और एक दिन मेरे से सटकेला शूटर तेरे छह इंस्पेक्टरों के बीच में आकर तेरे को टपका डालेगा। देख, ये हर शूटर पे एक डॉन का हाथ होता है। अभी देख, ये पाशा भाई है ना, हाँ, इसके पीछे ये जो अपना शेट्टी एमएलए ना, उसका हाथ है। कोई छू सकता है उसको? हाँ, देख, हर भाई पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, क्योंकि हर भाई इतना टेढ़ा नहीं हो सकता। ये सब पट्टू है, गोलियों से डरने वाले भाई। अपने गब्बर भाई बोले थे 20 साल पहले, जो डर गया समझो मर गया। ये सब लोग अपने जेब में रहे, सब लोग अपने जेब में। चल ठीक है मेरे बाप, तू सही है। मैं क्या बोलता है, अपन लोग ना इधर सिर्फ मैसेज देने को आए, धमकी देने को नहीं। हाँ, अरे मैं जानता हूँ रे, जानता हूँ। मिस्टर मंगेश वाघमारे, आपको अंदर बुलाया है। आइला, मिस्टर मंगेश वाघमारे। ए मंगिया, तेरे को पहली बार कोई मिस्टर बोला ना, है ना? मंगिया, पार्टी, शाम को पार्टी। अरे कोई भी पार्टी चलेगी सिवाय पॉलिटिकल पार्टी। चल चल, आज मिस्टर मंगेश वाघमारे। पाशा भाई ने आपके लिए मैसेज भेजा। कैसा मैसेज? पाशा भाई का खास आदमी रविकांत दामले, वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ, मेरे ही सामने लड़ रहा है वो बिना किसी इलेक्शन के प्रेसिडेंट बनेगा। आप अपना नाम पीछे लोगे। बच्चे, मेरा नाम कोई साइकिल या रिक्शा नहीं जो पीछे ले लूं। पाशा वैसे भी 12th मैन है, पवेलियन से बाहर बाहर गांव बैठा है तुम दबा कर, और यहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन पर कब्जा करेगा। बैट पकड़ने की औकात नहीं और इनिंग ओपन करने चले हैं। जनक सेठ, अपन लोग तो सिर्फ पाशा भाई का मैसेज देने आए। मालूम है, तुम जैसों की औकात और वो भी क्या सकती है। अब मेरा मैसेज देना अपने पाशा को, उसको बोलना अगर हिम्मत है तो यहाँ मुंबई आए, मेरे सामने फॉर्म भरे। ये क्रिकेट है असली क्रिकेट, कोई डोंगरी का अंडरआर्म क्लब नहीं, समझे? माफ करना सर, गलती हो गई। आपका मैसेज पहुंचा देंगे पाशा भाई, चलते हम। तो ऐसा ऐसा हुआ पाशा भाई, मंगिया इधर ही है। बात करा उससे। बात करो। हाँ भाई। देख मंगिया, जरक बहुत ही लालची और कमीना इंसान है। सबसे पहले वो जाकर पुलिस में एफआईआर करेगा कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तेरा नाम लेगा वो। अपने को ये सब लफड़ा नहीं चाहिए, समझा? एक काम कर, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। दाएं, वो जनरल शेट्टी मेरा इंसल्ट किया होता ना, तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो आपका इंसल्ट किया। आपको क्या क्या नहीं बोला, आपको 12th मैन बोला। देख मंगिया, रिजवी फील्डिंग लगा कर बैठा है तेरी, तू कब गलत शॉट खेले और वो भाई, वो रिजवी मेरा सिंगल रन नहीं रोक पाया, छक्का क्या रोक पाएगा। आप बस हरी झंडी दिखाओ, मैं उसका विकेट गुल करता हूँ। मिडल स्टंप उड़ा दो साले का। ओके भाई, चल रे भट, क्रिकेट खेलने का टाइम आ गया। क्या बात है, ए मंगिया बैटिंग में करेगा? तू बैटिंग नहीं करेगा, जनक शेट्टी बैटिंग करेगा और मैं गुगली डालूंगा। चल ये मंगिया, मैं क्या बोलता है सुन, शेट्टी जब तुम गैंगस्टर थे तब तो हमसे बहुत नफरत करते थे, अब हमसे प्रोटेक्शन की भीख मांग रहे हो? कोई फ्री में नहीं दे रहे हो, सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है उसकी, और सरकार हम है, चुपचाप काम करो अपना। सुना था पॉलिटिशियंस की खाल गेंडे की होती है, पहली बार देख रहा हूँ की चाल की तड़की भी। शेट्टी, जब तू अंडरवर्ल्ड में था ना तब तेरे में 2 पैसे का दम था,
अब कुछ भी नहीं। खैर, तुझे प्रोटेक्शन तो देनी पड़ेगी, लेकिन वो मैं अपने हिसाब से। कैसा हिसाब? मुझे मंग्या को रेड हैंडेड पकड़ना है। तुझे पपेट पर नजर आना होगा और मंग्या जरूर तुझ पर हमला करने की कोशिश करे। ए, 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 ए। तुम मंग्या को रेड हैंड पकड़ो या ब्लू हैंड, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मेरे को बलि का बकरा नहीं बना सकते, समझे? मैं कोई पिद्दी सा ट्रेड यूनियन लीडर नहीं हूं उस गजानन की तरह। गजानन की तरह हो भी नहीं सकता। जब वो मरा था तो हजारों मजदूर और उनका खानदान फूट फूट कर रोए थे। जब तू मरेगा तेरा खुद का खानदान ग्लिसरीन खरीद के रोएगा। है तू कल मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का इलेक्शन फॉर्म भरने जाएगा? हाँ हाँ जा। पर मंग्या पूरी कोशिश करेगा कि तू वो फॉर्म ना भरे। तो तुम लोग क्या करोगे? अगर चॉइस होती तो पहले मंग्या को तुझे ठोकने देते, फिर उसे अरेस्ट कर। फिकर मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उसे कुछ करने से पहले अरेस्ट जरूर कर। मेरे घर से एमसीए का ऑफिस कम से कम 2 जीप लगेंगी, भिजवा देना। शेट्टी, मुझे क्या करना ये तू मुझे नहीं बताए। रही बात मंग्या की, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जितना कम हम दिखेंगे वो उतना ही ज्यादा दिखेगा। तो तू कल इलेक्शन फॉर्म भरने जा, जैसे कि कोई प्रोटेक्शन ही ना। वो जैसे ही हमला करने वाला होगा हम उसे पकड़ लेंगे। अगर मंजूर नहीं है तो प्रोटेक्शन है, सोच। मंजूर है, मंजूर है। हे हीरो लोग, गन ठीक से चेक वेक कर लिया है ना? गोली वोली है ना? ये साला रिज्वी मेरी गेम बजवा के ही रहेगा। कह रहा था पुलिस प्रोटेक्शन दूंगा। काय पुलिस प्रोटेक्शन? क्या हो गया शेट? कोई सेफ नहीं। हे तू आगे बैठ, तू मेरे साथ बैठ। हेलो हेलो हेलो, एमएलए अपने घर से निकला है। एमएलए अपने घर से निकला है। एमएलए अपने बॉडीगार्ड के साथ निकला है। एम्बेसडर में, एम्बेसडर का नंबर है एमएलओ 7722। हेलो हेलो हेलो, सब्जेक्ट नजर में है। गाड़ी मेन रोड की तरफ आगे जा रही है। ऑल क्लियर, फोर एंड आउट। एसी बड़ा। सर एसी फुल है। सर आप टेंशन मत लीजिए। कैसे नहीं लूं टेंशन, कैसे नहीं लूं? मेरी जान की कीमत क्या है पता है तुझे? अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या हो सकता है पता है? पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। ये क्या हुआ, तू क्यों धीरे चला रहा है? सर वो टेम्पो। अरे ओवरटेक कर उसे, ओवरटेक कर, चल। अरे कर ना, हॉर्न दे उसको। क्या हुआ? सर आगे जाम लगा हुआ है। जाम? इस रोड पे कभी जाम नहीं होता। हॉर्न दे, हॉर्न दे। अरे बात का रोड है तू? हां आ जा, मैं तुझे दिखता हूं। हां अपनी अपनी गाड़ी लो, निकलो। ट्रैफिक जाम करके रखा हुआ है। चलो उठो गाड़ी अपनी जल्दी से। हाथ नहीं उठा रहा मेरा बाप पुलिस में।
ये तेरे बाप की तरफ से, तेरा बाप यहाँ पे होता ना तो वो भी यही करता। उठा गाड़ी जल्दी से, चलो जल्दी से, चलो जल्दी से, जल्दी से। ये अदालत आरोपी मंगेश वाघमारे उर्फ मंग्या को जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने का हुक्म देती है। जब तक केस चलेगा मंगेश वाघमारे येरवड़ा जेल कस्टडी में होंगे। तेरे खिलाफ अब ऐसा तगड़ा केस बनाऊंगा ना, तू तो अब गया। आप मर्डर के लिए कितना टाइम मिलेगा? 2 साल, 4 साल, 6 साल, उतना भी नहीं। पाशा भाई आप उनको फटाक करके बाहर निकालेगा। घायल घोड़े को और गिरफ्तार शूटर को कोई नहीं भगाता। घोड़े को तो खामोश किया जाता है गोली मारकर, और तेरा पाशा भाई कुछ अलग नहीं है। तू ठुकेगा, जरूर ठुकेगा। पाशा नहीं तो जनक, जनक नहीं तो सुधाकर जोशी का भूत, तू भूल गया। हर एक गोली के पीछे 10 दुश्मन होते हैं, और तेरे हाथ में अब बंदूक नहीं है, हथकड़ी है। चील को आखिर जमीन पर आना ही पड़ गया मंग्या। ये चील कुछ दिनों के लिए जेल में अपना घोंसला बनाएगी, के बाद ये चील उड़ेगी, बहुत ऊंचाई तक उड़ेगी। चील को उड़ने के लिए पंख की जरूरत होती है, और तेरे पंख चीर फाड़ने के लिए येरवाड़ा में तेरे दोस्त बैठे हैं। अगर नहीं मिले तो मैं भिजवा दूंगा, तू तो ठुकेगा। चल मंगेश वाघमारे, तू तो अब गया। रजिया घर चलो, मना नहीं करना। क्यों नहीं कहूं? देखो मंग्या गिरफ्तार हो गया है, हम दोनों के बीच जिसकी वजह से दरार आई थी वो अब नहीं रहा।
तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुमसे प्यार करता हूं, प्यार का मतलब जानती हो ना? एक और मौका दो मुझे। साहब मंगिया फरार हो गया। हाथ तो आया मगर मुंह न लगा। मंगिया की फरारी ने पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मचा दी। इंस्पेक्टर रिजवी पर उंगलियां उठ रही थी। इधर मंगिया को मालूम था कि इस बार पुलिस उसे नहीं छोड़ी। उसने जुर्म की ऊंचाइयों को तो छुआ लेकिन साथ ही इतने दुश्मन पैदा कर लिए जो उसे सबक सिखाने को बेताब थे। हवाओं में ये भी बात थी कि पाशा भी अपने इस बेकाबू गुर्गे से पीछा छुड़ाना चाहता था। कौन किस पर भरोसा कर रहा था भैया, किसी को नहीं पता था। मंगिया का इनकाउंटर इनकाउंटर हिस्ट्री का सबसे पेचीदा और अपने आप में यूनिक इनकाउंटर था। हाउसिंग सोसाइटी में हुए इस इनकाउंटर में पहली बार पुलिस के साथ और भी एजेंसी शामिल हुई। देखना चाहेंगे कैसे मंगिया के इस हैरत अंगेज इनकाउंटर की कहानी मेरी जुबान। मेरी जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी है, फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.in।